नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान आपका स्वागत करता हूं एक और नई और फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एक अपनी वीडियो को सही तरीके से अपलोड करें, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक नया क्रिएटर बहुत जल्दी में वीडियो अपलोड कर देता है, तो आज मैं उसको बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ आपको बहुत ज़रूरी डालनी है। अगर आपको हो गए तो मैं करके भी दिखा सकता हूँ, पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपकी को क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत तरीके से बहुत ध्यान में रखते हुए आपको अपलोड करनी है जब भी आपको वीडियो अपलोड करनी है। सबसे पहली बात क्या है कि अपनी जो भी वीडियो बनाए वो 1080p में बनाए। 1080p में जितनी भी हाई क्वालिटी वीडियो होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं प्रमोट होने के। जब भी YouTube को क्वालिटी अच्छी मिलेगी वो जब भी वीडियो को प्रमोट कर देगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की वीडियो को YouTube कोई आदमी नहीं है, एक सिस्टम है, उसमें एल्गोरिथम लगी हुई है। एल्गोरिथम ये कहती है कि आपको, अभी तक कोई समझ नहीं पाया, ऐसे किसी को समझ आती तो हर कोई अपनी वीडियो वायरल कर लेता, पर एल्गोरिथम का सिंपल सा एक यही काम है कि आप अपनी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी अच्छी रखें, उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत फाइन रखें, बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी रखें। भले ही आप ऐसे कोई भी फ़ोन लेके उससे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक का भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर और बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। वीडियो क्वालिटी पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब बात आती है सीधा अपलोड करने की। अपलोड करने में जो सबसे पहले आप डालते हैं टाइटल, टाइटल ऐसा डालें जो लोग बाग सर्च कर सकें। जैसे ऐसे नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपको टाइटल डालना है YouTube से बैंक अकाउंट कैसे लिंक करते हैं। कोई भी आएगा तो वो सर्च करेगा कि YouTube से बैंक अकाउंट कैसे लिंक करते हैं। आप टाइटल डाल देते हैं बैंक अकाउंट YouTube से लिंक करें, ऐसा आप डालते हैं तो करें तो हो गया अलग जो आप बोल रहे हो, पर जो सर्च करने आ रहा है वो तो सर्च करेगा ना कि भाई YouTube से कैसे, YouTube पे कैसे ऐड करूं, अकाउंट जो है वह कैसे ऐड करूं। तो ऐसा रखें जो लोग बाग सर्च करते हों, जो लोग बाग समझते हो कि ये चीज़ सर्च होने लायक है वो आप डालें। बाकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर और बहुत फाइन लिखें, जिसमें आप बता दें कि इस वीडियो में मैंने ये सब बताया है। उसमें आप दो चार अपने लिंक भी डाल सकते हैं, वो आपके फ़ायदे के लिए ही होते हैं। आप लिंक डाल दें, अपने सोशल मीडिया हैंडल डाल दें, ताकि लोग बाग जो भी आपकी वीडियो देखता है अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपसे, तो आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है जो आप डाल सकते हैं जहां पे आप लोगों की मदद कर सकते हैं वो सब डाल दें। तीसरी चीज आती है फिर थंबनेल। थंबनेल जो है वो बहुत बढ़िया आपको बनाना है। ये सारी बातें मैंने YouTube टिप एंड ट्रिक्स A to Z करके एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको A to Z सारी बातें मैंने बताई है बिल्कुल फ्री में, और ये सब्सक्राइब बटन भी बिल्कुल फ्री में है, आप सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। उसके बाद जो आती है चीज वो आती है आपके टाइटल, टाइटल नहीं टैग्स आते हैं उसके बाद। आप टैग्स में हमेशा वो ही चीज़ डालें, अच्छे टैग जरूर चूज करें। एक आगे मैं बताऊंगा कि अच्छे टैग कहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, वो आप जाके मेरी एक प्लेलिस्ट में ही देख सकते हैं कि अच्छे टैग कहाँ से सर्च करें। तो आपको पहले तो टैग चूज करने हैं, अच्छे वाले टैग जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं। मैं दूसरी वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो है टैग वाली, मैंने उसमें समझाया कि आप कैसे टैग जो है वो चूज कर सकते हैं। तो ऐसी जगह से टैग उठाएं जो लोग बाग सर्च करते हों, जो ट्रेंडिंग में हो, ऐसे टैग लगाएं ताकि जब भी कोई भी सर्च करने आए तो आपकी वीडियो जो है उसको आसानी से मिल जाए। फिर दो चीज आती हैं बहुत जरूरी, कार्ड्स, और आते हैं भाई आपकी एंड स्क्रीन्स। कार्ड और एंड स्क्रीन का बहुत फायदा होता है, जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो उसमें एंड स्क्रीन जरूर लगाएं। एंड स्क्रीन में भले ही आप एक वीडियो लगाएं, दो वीडियो लगाएं, अपना सब्सक्राइब बटन लगाएं या कोई भी प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं। कार्ड जो होता है, कार्ड भी आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं, जो आपने देखा होगा आई बटन आता है उसको कार्ड बोलते हैं, तो आप कार्ड भी लगा सकते हैं। मतलब सिंपली आपको ये करना है कि यूट्यूब पर वीडियो ऐसे ही अपलोड नहीं करनी कि आए अपलोड करिए छोड़ के चले गए। बड़े जब यूट्यूबर हो जाते हैं तब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ऑडियंस है वो अटैच हो जाती है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कार्ड लगाएं या ना लगाएं। पर हाँ, आपको हमेशा ही कार्ड लगाने चाहिए, और कार्ड के बाद ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको टाइटल शॉर्ट और बहुत अच्छा सा डालना है जो लोग बाग सर्च करते हो। दूसरा आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको वो भरना है जो आपने वीडियो में बताया है, ताकि कोई लोग बाग आए तो उनको पहले से पता चल जाए हाँ इस वीडियो में मुझे ये सब मिल जाएगा। तीसरी चीज आती है आपका थंबनेल। थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैंने बताया है कि कैसे थंबनेल बनता है, वो आप बना सकते हैं
जाके। उसके बाद जो आपका आता है वो आते हैं टैग्स। तो टैग्स आपको बहुत अच्छे से करके डालने हैं, 10 से 12 टैग आप डाल दें, जो भी ट्रेंडिंग टैग है। जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो लास्ट में उसमें हैशटैग लगा के 3 हैशटैग जो है डाल सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं अगर आपने गूगल एडसेंस के ऊपर वीडियो बनाई है तो पहले आप उसमें एडसेंस लिख दें, अर्निंग लिख दें, और जो भी आप है गूगल एडसेंस वो लिख दें, ताकि YouTube डिटेक्ट कर सके कि इस बंदे ने इस वीडियो में गूगल एडसेंस के बारे में जो है बात की है। तीसरी बात फिर आती है आपके थंबनेल हो गया, आपका टैग्स हो गए, उसके बाद आती है एंड स्क्रीन। तो एंड स्क्रीन आपको बहुत ज़रूरी लगानी होती है, एंड स्क्रीन लगाएं, और मेरा मानना तो यह है कि हरी वीडियो में लगाएं। एंड स्क्रीन कैसे बनाते हैं, जो आउटर वीडियो होती है वो भी मैंने प्लेलिस्ट में बताई हुई है। फिर आपको लगाने हैं कार्ड, आप कार्ड भी लगा सकते हैं। और जैसे ही आप कार्ड लगाते हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप इन टर्म्स को बिल्कुल अच्छे से जानते हो, मैं उम्मीद करता हूँ। आज मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझना होगा, खुद से भी करना होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना था। अगर कोई भी दिक्कत आती है A to Z, कोई भी दिक्कत आती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कर दें। जो भी अच्छे से अच्छी मदद होगी, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।